हरतालिका तीज शिव पार्वती के 16 आशीर्वाद पाएं, 16 तरह की पत्तियां चढ़ाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। देवी पार्वती ने स्वयं इस व्रत को कर साक्षात भगवान शिव को प्राप्त किया था। ऐसी महिमा वाले इस परम पवित्र तीज को हर विवाहित तथा अविवाहित स्त्री को करना चाहिए। इस पर्व को पर्यावरण से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि सावन के बाद आई नई 16 तरह की पत्तियों को भगवान शिव पर चढ़ाकर अपने घर में हर प्रकार की वृद्धि का वर मांगती है। तो आइए जानते हैं कौन सी पत्तियां चढ़ाएं। हर पत्ती से जुड़ा है विशेष आशीर्वाद। बिल्व पत्र से सौभाग्य प्राप्त होता है। तुलसी से चरित्र। जाति पत्र से संतान। सेवांतिका से दाम्पत्य सुख। बांस से वंश वृद्धि। देवदार पत्र से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चंपा से सौंदर्य और सेहत। कनेर से यश और सुख। अगस्त्य से वैभव। भृंगराज के पत्ते से पराक्रम। धतूरा से मोक्ष प्राप्ति। आम के पत्ते से मंगल कार्य संपन्न होते हैं घर में। अशोक के पत्ते चढ़ाने से शांति प्रिय जीवन प्राप्त होता है। पान के पत्ते से परस्पर प्रेम में वृद्धि होती है। केले के पत्ते चढ़ाने से सफलता मिलती है। समी के पत्ते धन और समृद्धि दायक हैं। इस प्रकार 16 प्रकार की पत्तियों से 16 उपचार पूजा करनी चाहिए। निराहार रहकर व्रत करें, रात्रि जागरण व भजन करें, बालू के शिवलिंग की पूजा करें, सखियों से ही शिव जी और पार्वती जी की पूजा रात्रि में करें। पत्ते उल्टे चढ़ाने चाहिए और फूल और फल सीधे चढ़ाने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।